रहा देवा? भाभी मैं रास्ता भूल गया इसलिए रोका है। रास्ता? हाँ, ये बतलाओ ये काला काला पहाड़ से क्या रहा है? पहाड़ नहीं है। और ये सामने भेड़ बकरी है। और ये उसका सा? उसका नहीं है देवा। और क्या चीज है? ये ग्वालिया है, इन भेड़ों का मालिक। तो ऐसा करो तुम रथ में बैठो, हम इससे रास्ता मालूम करेंगे। अच्छा जा सकते हो। खाड़ी रे भेड़ा के 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 तो मैं क्या बताऊं भैया, आज मेरी भेड़ बड़ी अफरी भाई बैठी है, सब जो हार रही है। भेड़ तो अफरी भाई बैठी है, दोपहरिया मना रही है। अब मैं ऐसो है कि मैं थोड़ी देर मनोरंजन कर लू, मेरे वक्त कट जाएगा, बकरियां आराम कर लेंगी। अरे कारो छोटा कारो लंगोटा मारो रे दैया, मरगो आलू खाए गए उदल मरो टमाटर खाए, मन के मरगो बैंगन खाए गए इंदल मरो बाजरा खाए, जो मेरी आला पूरी बता मैं बागो बबासीर है जाए, बबासीर की दवा नहीं है तर रगड़ रगड़ मर जाए। संगल है फिर रहा हुआ भाई, तुम्हारे संग नहीं है भाई। मेरे तो चल रहे हैं देख। और हमारे नहीं चल रहे हैं? अरे चलते तो लगती क्या चूतिया है भतीज बाबू, जो बोंगो कहाँ से खेते फिर रहा हुआ। ये बोंगा नहीं है और ये साई सवारी है। ऐसे हमारे गांव में बहुत तुम्हारे कहत को लगो महीना। अच्छा, और किसान ने का डारे गाँव गाँव के गेहूँ। हाँ गेहूँ गेहूँ जान तो रखी जा भाई, उसके लिए तो बहुत खा के आया। आज खबाई नहीं है, ज्यादा ना से याद आ रही है। एक प्लेट मारी मैंने तो। अरहर के लिए झम्बे और गड्ढा खोल दो गोलम बाउल। अच्छा, और बामा भर दो भोस और ऊपर नरई को बांध दो जूड़ा। काय चरा रहा हुआ? नहीं जैसे तुम कह रहे वैसे हम कह रहे हैं। अच्छा वही बोलू, ये वो सवारी नहीं है। और ये वो सवारी है, किसी जमाने में भगवान स्वामी बैठ के चले करते। लठिया पकड़िए रे, मैं भगवान जी को देख रहा हूँ कैसे। ला ले, अबे कौन है?
अबे हमारी भाभी है यार। अरे मैं अबे की पूछ रहा हूँ, फिर की पूछ रहा हूँ। अरे भाभी किन से खेते हैं, आम से, ढाक से, बबूल से, पेड़ से? भाई वाह, भाभी के लिए नहीं जानते आप? मैं कहा जानो यार भाभी कौन से पेड़ पर उतरती है। भाई ये बतला, तुमसे बड़े भाई साहब है तुम्हारे घर में? हाँ बच्चों भैया है मेरे। उनसे क्या कहते हो? बड्डे भैया से। बड्डे भैया ही बहुत से? हाँ भौजी के तो भौजी। ये नहीं है यार, कब वो चक्करबान में डाल रहा है? हाँ यार चक्करबान में नहीं डाल रहे। अरे बच्चे भैया की बहू से भौजी के का चूतिया ही भतीज बहू। भैया समझ गए, तू तो आप पट्टे दिमाग। हाँ और बात चिट्ठी दिमाग को भेज, तब भेड़ बकरियां उठंगी ना, बैठी भाई आराम कर रही है। भैया भेज रहे हैं, बैठो। हाँ भाभी वाकम में तुम्हारे देश के जो है ना बहुत ही पढ़े लिखे हैं। मैंने आपसे कहा था कि देवर, हाँ? जो मेरे देश में छोटे एवं बड़े जो भी कुछ इंसान है सब पढ़ लिखे समाज है। हाँ भाभी कहाँ तक स्कूल है? कोई बी है, कोई एम ए, कोई डबल एम ए, कोई इंटर, कोई मिडिल पास। हाँ तुमने खड़े पास करे होंगे। क्या बकते आप? हाँ बी ए पास। बतलाइए जब हम पहुँचे हमने कहे भाई जंगल प्रधान राम राम। अच्छा तो मुझसे बोला रोंदराम रे भैया रोंदराम। इस तरीके से? अरे भाभी क्या ही खेत ले गया मुझे खींच के, वो कमाल करते थे। हाँ और भाभी के लिए नहीं जानता, नो कह रहे कौन से पेड़ पे उतरती है भाई? भाभी को नहीं जानता, बिल्कुल पागल है। नो कह रहा भेड़ है बकरियां आ रही लाल चैन रे रोड है कहां से कहता बलफ है। तो देवा तो मैडम मैं जाती हूँ उसके पास। सुनी ला भाभी कोई बात नहीं, आप बैठिए। और हमारी छल के ना गगरिया ग्वालिये धीरे चलो हमारी छल के ना गगरिया ग्वालिये धीरे चलो जी। एक सर पर गगरी भारी दूजे गजब की चाल, पतली कमरिया यूं बलिखाई लगा सोल मासाल, हमारी बाली सी उमरिया ग्वालिये धीरे चलो जी। रफीक खां को जाने, सफीक खां को जाने,
पूछ। और भैया हाँ, तुमने तो एक तरफ से ही नाम सुनने सुना दिए। अरे मेरे यहाँ मुसलमान खासनी क्या कोई ना बस रहा हुआ। वास्तव में बात यही है कि मुसलमानों के नाम इसी प्रकार होते हैं भैया। हाँ। और हिंदुओं में जानते हैं? पूछ कौन सी बिरादरी बुझाई। देख 360 भेड़ बकरियाँ हैं, सवेरे ही खोलता हूँ जंगल को चुगाने को ले जाता हूँ। अच्छा। दिन भर चुगाता हूँ लल्ली, दिन ना मुंदन देता हूँ तब तक आए के बाहर देता हूँ भेड़े। हाँ सारा में सारा। अच्छा है। हाँ हाँ। और भैया मुझे बताओ तुम ठाकुर में कितने जानते हो? ठाकुर में? हाँ लल्ली ठाकुर के तो ठाटे ही निराली है। नाम लेके सुनाओ ना। झुंडा सिंह को हम जाने, शेर सिंह को हम जाने, कटरा सिंह को हम जाने, रहबिया सिंह को हम जाने, जसमंत सिंह को हम जाने, और देख चौकीदार सिंह को जानते हैं। मेरे यहाँ ठाकुर सिंह से नीचे ना है कोई। तुम सत्य कहते हो भैया कि ठाकुर के नाम इसी प्रकार होते हैं। लेकिन देखो भैया तुमसे मैं ये तमाम बकवास नहीं मालूम कर रही हूँ। मैं तुमसे उस ठाकुर के लिए पूछ रही हूँ कि जिनका बामनगढ़ में राज है। हमारे यहाँ किनको सारे को तेरे बनगढ़ में चल रहा हुआ है। इसे को ये ना ये लो वो लल्ली कमलावती। कमलावती? हाँ भैया। तू तो मौका बिल्कुल भूल ही गई। मैं तो ना भूली तुम्हारे लिए। रोई कह रहा यार लड़िया पुरानी मोहब्बत भूलेगी। पागल नहीं का बेवकूफ। पुरानी मोहब्बत जानता है मेरे साथ में दौरानी, जिठानी, देवर, नंद, नंदोई ये भी हैं। अब कैसी कर रही है हट मेरे संग दौरानी, जिठानी, नंद, नंदोई, सबको बता रही है वो लल्ली। घर के छोटे छोटे दिमाई वाली सड़क पे बकरिया बकरा खेलते। पागल जब तक तो मैं छोटी कुछ जानती तो मैं हूँ छोटो। अब तू बड्डी है गई, मैं हूँ बड्डो। बात वही है। ये बातें करो भैया तुम बंद। हाँ। मेरा मतलब ये है कि भाई साहब की राजी खुशी सुनाइए। कितने दिन में आई है? आज 12 साल में जा रही हूँ पेड़ के लिए भैया। सफर है, आने जाने में कुछ परेशानी पड़ती है, इस वजह से मैं कमती आती जाती हूँ। अच्छा जा अपने भैया ही मालूम ना है डाल ले भैया। हाँ रो ले। खुशी में जा रही हूँ, बेटे की शादी है, आखिर रोने का मतलब ही क्या है? ना रो बेटी, सुन। सुनाओ क्या बात है भैया? तो क्या हाल पूछेगी कमलावती तू अपने निदना बीरन के? क्या जंगल में सुना दू हाल तेरी लली जगती सो गई तेरे भैये की तगड़ी। जगती सो गई तेरे वीरन की तगड़ी रे। अरे हाथे खून पिया बगल से बंदे था सुनहरी तार। दो भैये थे उड़ा भूरा छोड़ के मर गए मैया और बाप। रोते बिलखते फिरते गरियालों में उनकी किसी ने ना बंधाई धीर। ना औलाद थी तेरी सामल दे भाभी पे
औलाद बना के दोनों देवर पाले, अरे भार भार बेले उन दूधों के पिलाए। भैया तेरे के